चंदौसी नगर पालिका में कार्यरत ठेका सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को पालिका के स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले ठेका सफाई कर्मचारियों का आरोप था कि बिना किसी सूचना के ठेके सफाई कर्मचारियों को एवं डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों को 3-3 माह से वेतन नहीं दिया गया, जिसके उनके परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कत आ रही है। ठेकेदार उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उन्हें नौकरी पर बहाल नहीं किया गया तो सफाई कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए अवकाश पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। आई है, आप प्रदर्शन किया, क्या है पूरा मामला? ये साहब, मुझे हटाया गया है यहाँ से। आपको हटा दिया गया है? हाँ, मैं राण देवा हूँ, अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। ये कब से चल रहा है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती, कब से प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें तो 5-15 साल, कई साल 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए साहब, कोई मैं नई नहीं, कुछ नहीं, इतनी साल पुरानी हूँ मैं, क्यों हटाया गया है मुझे? मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। नगर पालिका कार्यालय में एकत्र हुए आप लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? नगर पालिका में जो ठेकेदार, सफाई ठेकेदार बनाए गए हैं, वो जिस दिन से यहाँ बने हैं एक बार भी आए नहीं है यहाँ पर। वो हमारे उच्च अधिकारियों से मिल करके चले जाते हैं। जो पिछले कई माह से उन पर जुलाई से ठेका चल रहा है, जुलाई से ही उन्होंने कई लोगों का वेतन डाला है, उनको बैंक की फोटो स्टेट कॉपी हवाई जो इंस्पेक्टर के द्वारा वो ठेकेदार को उपलब्ध करा दी गई है, उसके बाद भी अभी तक उन्होंने वेतन नहीं दिया है। और कल उन्होंने 150 आदमियों की लिस्ट लगवा दी, 30 आदमी हटा दिए गए जो कि 15 वर्ष पुराने काम कर रहे हैं। ये स्थिति चल रही है, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ आज हम इकट्ठे हुए हैं अपने उच्च अधिकारियों के से, अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से हम ठेकेदार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारी यो साहब, हमारे चेयरमैन साहब, हमारी आ करके इस वार्ता को हल करें, अन्यथा हम जो हड़ताल पे चले जाएंगे पूरा स्टाफ। के अग्रवाल, नगर पालिका जूनियर इंजीनियर नगर पालिका। आज नगर पालिका कार्यालय में यहाँ प्रदर्शन हुआ है, सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय, आज चूंकि तहसील दिवस है, तहसील दिवस में है और उनके निर्देश पर मैं कर्मचारियों से ज्ञापन लेने यहाँ पे आया हूँ। और कर्मचारियों ने जो मुख्य रूप से अपनी जो बताई है मांगे, वो हैं, इनको एक तो समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है आउटसोर्सिंग वालों को, और दूसरा कुछ आउटसोर्सिंग वालों को ठेकेदार ने हटा दिया है, तो जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं उनको ना हटाया जाए और नई भर्ती ना करके पहले उनको समायोजित किया जाए, ये इनकी मांगे हैं, इसके संबंध में कार्रवाई की जाए। क्या कारण है जो बार बार प्रदर्शन की नौबत आ जाती है, क्यों सुनवाई नहीं होती? देखिए, अब ये तो उच्च अधिकारियों के साथ में, अध्यक्ष महोदय के साथ में बैठ के जब वार्ता होगी तभी इसका निस्तारण होगा और समाधान का समस्या समाधान है जो उसका। कार्यालय में आज सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया है, नारेबाजी की है, ज्ञापन सौंपा है, सर क्या है पूरा मामला? नहीं देखिए, ऐसा 150 कर्मचारियों का हमारा टेंडर हुआ था और ठेकेदार के द्वारा ही ये जो है सफाई के कर्मचारी रखे गए हैं। उसमें इसके पहले ये था कि 162 लोगों की स्वीकृति के आधार पर कार्य चल रहा था। अब चूंकि 12 आदमियों को ठेकेदार ने हटाया है, चूंकि टेंडर भी हमारा 150 आदमियों का था, तो उन्हीं 12 आदमियों को लेके उनके द्वारा ये मांग रखी गई कि इन्हें रखा जाए और नए को हटा दिया जाए। सर, कुछ सफाई कर्मचारियों का ये भी कहना है सर कि अगर नौकरी से हट जाते हैं तो रोजी रोटी का संकट गहरा जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता इस ओर नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए या ठेका कर्मचारी को ध्यान देना चाहिए? देखिए, ऐसा नगर पालिका के पास जो संसाधन है उसी में अच्छा से अच्छा करेगी। अब चूंकि हमारे पास पैसे की भी इतनी मतलब नहीं है कि हम जो है 200 कर्मचारियों को रख सकें, तो जब हमें जितने कर्मचारी चाहिए उतने ही कर्मचारी तो रखेंगे, इसलिए जो है हमने कहीं कोई अगर ज़रूरत पड़ेगी, हाँ ये ज़रूर है कि बहुत पहले से अगर काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो उन पर हम सोच विचार की वरीयता के आधार पर उन्हें मौका देंगे। पर आप आए प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी और डोर टू डोर कर्मचारियों के लिए कम से कम 3-3 माह से वेतन नहीं मिला है और इनके आगे इतनी बड़ी समस्या है कि ये अपने बच्चों की न फीस और न घर का खर्चा किसी प्रकार से चला नहीं पा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर नगर पालिका में 180 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें कि नगर पालिका की मिली भगत से ठेकेदार से
उन्होंने जो है 30 कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों की भर्ती करने का वो काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ, ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने ऐसी महामारी कोरोना की में और अब ओमिक्रॉन आने वाला है उसके लिए भी ये तैयार हैं। अगर इन लोगों को वापसी नहीं करा उन्होंने, समय से इन्हें वेतन नहीं मिला, तो आने वाली महामारी में एक भी सफाई कर्मचारी शहर में सफाई करने का काम नहीं करेगा। किन मांगों को लेकर आप और आंदोलन के मूड में? आज हमारा जो मेन मकसद है समय से इन्हें वेतन मिलना और जो 30 कर्मचारी इन्होंने हटाने का काम किया है उन्हें वापसी लेना। यूपी खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।